नमस्कार दोस्तों, आज हम वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 14 सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कथा सुनते हैं। गणेश जी की सवारी मूषक की कथा। सभी धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। गणेश जी को तो शुभ लाभ के देवता और रिद्धि सिद्धि के स्वामी माना जाता है। जानिए श्री गणेश जी की मूषक की सवारी की कहानी, जो इस प्रकार है। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वो बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए, शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की वह थी कि उसे किसी भी शास्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपना जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल किया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की और परिक्रमा के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बनकर रह गया। बोलिए गजानन महाराज की जय। अब आइए जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 14। श्रुतदेव जी ने कहा, जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल पवित्र स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के उच्चतम लोक में जाता है। जो कोई विष्णु जी की कथा पढ़ते और समझाते समय बीच में छोड़ देता है, उसे मूर्खता पूर्वक किसी अन्य चीज का सहारा लेते हैं, वह रौरव नरक में गिरता है तथा वह पिशाच के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वे एक प्राचीन पारंपरिक कथा को उदाहरण के रूप में बताते हैं। यह कथा पापों का नाश करने वाली है, यह पवित्र और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह एक प्राचीन कहानी है जिसका तुरंत सम्मान किया जाना चाहिए। पूर्व में ब्रह्मेश्वर के शानदार पवित्र स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते थे, दुर्वासा के शिष्य, जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे परम ब्रह्म के प्रति दृढ़ता से समर्पित थे। वे सदैव उपनिषद शिक्षाओं के प्रति समर्पित थे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे मेधावी थे। भिक्षा के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों में से सत्यनिष्ठ हमेशा विष्णु की कहानियों के प्रति समर्पित थे। भले ही कोई श्रोता या व्याख्यान न हो, महान ऋषि अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन इत्मीनान से करते थे। यदि एक भी श्रोता होता था तो वह दिन रात उसे विष्णु जी की कथा सुनाते रहते थे। यदि कोई विष्णु की मंगलकारी और पुण्यप्रद कथा सुनाता तो वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कम कर देता था और कथा सुनता था, क्योंकि उसे वही सुनने में रुचि होती थी। वह बहुत दूर स्थित तीर्थ केंद्रों और पवित्र मंदिरों में जाने से बचते थे, क्योंकि वे विष्णु जी की कहानियों में उनकी रुचि के विपरीत थे। उन्होंने अधिकांश संस्कारों को करने से परहेज किया। वह दिव्य कहानियाँ सुनते थे और उन्हें स्वयं श्रोताओं को समझाते थे। हे राजा, भगवान की कहानियों को छोड़कर वह सहारा लेने के लिए योग्य कुछ भी नहीं जानता था। यदि बीमारी से पीड़ित होने पर एक व्याख्याता विष्णु कथाओं का अपने घर में, जैसे किसी मंदिर, जैसे सार्वजनिक स्थान के बजाय प्रवचन देने के लिए गया,
तो ऋषि ने एक कुएं पर स्नान का सहारा लिया और समर्पित हो गया। कहानियां सुनो। कथा के समापन पर वह अपने धार्मिक और अन्य कर्तव्य का पालन विधि पूर्वक करता था। जो मनुष्य पवित्र कथाओं को नियमित रूप से सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं पड़ता, वह आंतरिक शुद्धता प्राप्त करेगा। विष्णु के प्रति आसक्ति होने का अभाव दूर हो जाएगा। विष्णु के प्रति आसक्त और साधु लोगों के साथ मित्रता उत्पन्न होगी। रजोगुण से मुक्त निर्गुण ब्रह्म तुरंत हृदय में स्थित हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य के कर्म व्यर्थ है। यदि इसे बार बार विविध प्रकार से किया जाए तो भी यह अंधे को आईना दिखाने के समान होगा। जिनका हृदय गहन ध्यान में लीन है, उनके द्वारा बार बार किया जाने वाला कर्म निश्चित रूप से प्रकृति की शुद्धता के प्रति अनुकूल होगा। प्रकृति की शुद्धता से सुनने की क्षमता बढ़ेगी। सुनने से मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। वेदों में श्रवण, ध्यान और मनन को कई स्थानों पर निर्धारित किया गया है। यदि विष्णु की कथा न हो, सत्पुरुष न हो, उस स्थान को निसंदेह त्याग देना चाहिए, भले ही वह गंगा का तट क्यों न हो। यदि किसी देश में तुलसी का पौधा न हो, न विष्णु का पवित्र स्थान हो, न विष्णु की कथा हो, तो वहाँ मरने वाला मनुष्य घने अंधकार अर्थात नरक को प्राप्त होता है। यदि किसी गांव में न विष्णु का निवास हो, न काला मृग, न विष्णु की कथा, न ही इसे जानने वाले संत लोग हो, तो वहाँ मरने वाला तुरंत कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लेगा और 100 जन्मों तक ऐसा ही करता रहेगा। ऋषि सत्यनिष्ठ ने उपनिषद ग्रंथों पर ध्यान दिया और उनमें दी गई शिक्षाओं पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे। वह हमेशा विष्णु की कहानियों से जुड़ा हुआ था। वह विष्णु की स्मृति में समर्पित था। उन्होंने इस श्रवण से बढ़कर कुछ भी नहीं समझा। दूसरा तपोनिष्ठ अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करता था। वह मूर्खतापूर्ण हठी था। उन्होंने स्वयं विष्णु की अच्छी कथाएँ नहीं बताई, न ही सुनी। जब कथा समझाई जा रही थी तब भी वे चले गए और तीर्थ में पवित्र स्थान के लिए निकल पड़े। तीर्थ में भी जब कथा प्रारंभ होती थी तो वह चंचलता के कारण पवित्र अनुष्ठान छूट जाने के भय से वह दूर चला जाता था। उनके संपर्क में आकर लोग अपने घरेलू कामकाज करने चले जाते थे। उनके पक्ष में विष्णु जी की कहानियाँ का कोई श्रोता या व्याख्याता नहीं थे, केवल कर्मीन थे जो केवल अनुष्ठान कर्म करने में रुचि रखते हैं। उस दुष्ट बुद्धि दुराचारी का समय इस प्रकार बीत गया। प्रभु की कथा कभी नहीं हुई। बाद में ऋषि की मृत्यु हो गई और वह तुरंत अपने अधर्म के कारण पिशाच बन गए, क्योंकि वह दिव्य कहानियों को सुनने या व्याख्यान करने वाले नहीं थे, क्योंकि वह दुष्ट और प्रासंगिक थे। फिर उसने एक शमी वृक्ष पर कब्जा कर लिया। उसका नाम चित्रकर्ण, कान कटे हुए बहरे जैसा रखा गया। वह मजबूत नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसका गला, होंठ और तालू सूख गए थे। दैवीय गणना के अनुसार उन्हें 10,000 से अधिक वर्षों तक इस तरह यातना सहनी पड़ी। उसने किसी को भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं देखा। वह लगातार अन्न से वंचित रहा। वह अत्यंत दुखी था। वह अपने किए पर विचार करता हुआ नशे में और पागलों की भांति घूमता रहा, इधर उधर भटकते हुए और भूख से पीड़ित होकर। भ्रमित बुद्धि वाले उस दुष्ट आत्मा को शांति और खुशी नहीं मिली। जिस आत्मा का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं था, उसके विरुद्ध जो हवा चली वह उसके अंगों को आग के समान झुलसाने लगी। वह सर्वनाश की अग्नि के समान प्रकट हुआ। फल, फूल आदि विष के समान प्रतीत होने लगे। इस कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह मन से अत्यंत निराश था। उसे ये चीजें उस जंगल में लोगों से रहित थी, उस स्थान पर कहानियों और अच्छे लोगों से रहित, जिस स्थान पर उन्होंने सहारा लिया था। वह सत्यनिष्ठ पैठीनासी शहर में आए। रास्ते में चलते हुए उन्होंने चिन्नाकर्ण को देखा, जो बहुत कष्ट सह रहे थे। उसे भूख के कारण रोता हुआ और बीमार तथा उदास देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उसने उससे पूछा, डरो मत। तब महर्षि ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा। उनके द्वारा इस प्रकार सांत्वना दिए जाने पर चिन्नाकर्ण, जो अत्यधिक उत्तेजित थे, ने इस प्रकार कहा,
मैं तपोनिष्ठ एक तपस्वी और दुर्वासा का शिष्य हूँ। मैं पवित्र स्थान ब्रह्मेश्वर का निवासी था, जो कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित था। मैं मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि मुझे मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठानों के निष्पादन में विघ्न पड़ने का डर था। हे ऋषि, विष्णु की मेधावी कहानी, जो कि अच्छे लोगों द्वारा बताई गई थी, मेरे द्वारा बिल्कुल भी सम्मानित नहीं थी। मैं मूर्ख था। कर्मों का नाश करने वाली कथा श्रोताओं को भी नहीं सुनाई गई। उन कर्मों के महान फल के परिणाम स्वरूप मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। मैं पिशाच बन गया चिन्हकरण नाम से। मैं दुख के कारण व्याकुल और व्याकुल हूँ। मुझे कोई ऐसी उदारकर्ता नहीं मिल रहा, जो मुझे किसी प्रकार इस दुख से मुक्ति दिला सके। सौभाग्य से मुझे आप लोगों ने देख लिया है। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझ पर प्रसन्न हैं। आज से मैं आपसे मिला हूँ। गुरु सत्पुरुष और भगवान भी मुझसे प्रसन्न हैं। फिर वह जमीन पर उनके पैरों पर गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब परम यशस्वी सत्यनिष्ठ दया अभिभूत हो गए। महर्षि ने अपनी अत्यंत सुखदायक और आनंददायक भुजाओं से उसे ऊपर उठाया, फिर समारोह पूर्वक पानी पिलाया और वैशाख महीने की महिमा सुनाकर जो उत्कृष्ट पुण्य उन्होंने मुहूर्त के दौरान अर्जित किया था, वह उन्हें दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसका सारा अमंगल तत्काल नष्ट हो गया। उन्हें पिशाचयोनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया। वह एक दिव्य हवाई रथ पर चढ़ गए। उन्होंने खुद महर्षि को प्रणाम करके उनसे विदा ली और उनकी परिक्रमा की। फिर वह विष्णु के महान क्षेत्र में गए। इस प्रकार बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पैठिनाशी शहर में गए और बार बार वैशाख अनुष्ठानों की महिमा को सुनाने की प्रभावशीलता के बारे में सोचते रहे। श्रुतदेव जी ने कहा, जहाँ संसार के मलों को दूर करने वाली विष्णु की मेधावी तथा भव्य कथा है, वहाँ विविध प्रकार के सभी पवित्र स्थान और तीर्थ मौजूद हैं। जहाँ विष्णु की मेधावी तथा शानदार कहानी की पवित्र नदी बहती है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए मोक्ष की पहुँच होती है, इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। दोस्तों, अभी तक आपने अगर वैशाख महीने की कथा नहीं सुनी है तो ये सारी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।